अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। आईबीएन 7 की इस खास पेशकश इलेक्शन यात्रा में आपका स्वागत है। हम रुहेलखंड में हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये इलाका मुसलमानों की आबादी के लिए जाना जाता है। 35% से ज्यादा हैं मुसलमान लगभग सारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। 2009 के चुनाव में 10 सीटों का लगभग बराबर का बंटवारा रहा। ज्यादातर पार्टियों को एक को समाजवादी पार्टी को मिला 3 और बीजेपी और कांग्रेस को मिला 2-2। लेकिन 2012 के चुनाव में अखिलेश ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। आइए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे क्या अखिलेश अपना 2012 का परफॉर्मेंस रिपीट कर सकेंगे या नहीं, या मुजफ्फरनगर दंगों के बाद मुसलमान यहां के एक नए तरह से सोच रहे हैं। चार में पीतल नगरी के व्यापारियों को एक गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा। बहुत सारे कारखाने बंद हो गए और ये कहा जाता है कि 2004 तक ये सारे सामान जो आप देख रहे हैं पीतल के थे, जो आज एल्यूमिनियम और दूसरा एक और मेटल आयरन का है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अनवर साहब हैं, जो उनका कहना है कि अब ये पीतल नगरी नहीं कहा जा सकता। अनवर साहब, आपने कहा कि अब मुरादाबाद को पीतल नगरी नहीं कहा जा सकता, ये ब्रास सिटी अब नहीं है। पीतल नगरी के नाम से जरूर जाना जाता है, लेकिन पीतल नगरी नहीं कह सकते, क्योंकि ब्रास की एक्सपोर्ट जो है एज ऑन टुडे इन माई एज पर माई नॉलेज, बिकॉज आई एम वन ऑफ द बिग एक्सपोर्टर बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी। मेरी 40 करोड़ की एक्सपोर्ट है साल की, लेकिन उस 40 करोड़ की एक्सपोर्ट में मेरी बहुत से बहुत 2 करोड़ की एक्सपोर्ट जो है वो ब्रास की होगी, बाकी सब एल्युमिनियम और आयरन वगैरह। तो आपको लगता है क्या कि जो 2004 में जिसकी सरकार थी वो भी रिस्पॉन्सिबल है आपकी इस इंडस्ट्री के डिक्लाइन के लिए? सेंट्रल की पॉलिसीज में कुछ हमारे लिए रद्द बदल होना चाहिए, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे वो मनमोहन सिंह हो। हम तो हर सरकार को वेलकम करेंगे, आया वो मोदी जी हो, आया वो कांग्रेस हो, आया वो आम पार्टी हो, एनी पार्टी हो, वी आर वेलकम ऑल। लेकिन हमारी पॉलिसीज अच्छी होनी चाहिए बिजनेस के हिसाब से। You think for a young businessman like you, Narendra Modi is acceptable? Yes, sir. No problem. नसीर साहब, आप 35 साल से काम कर रहे हैं, पहले ब्रास में पीतल में काम करते थे, अब ये एल्यूमिनियम में काम करते हैं, फर्क क्या है? फर्क ये है, पीतल में मतलब ये जरा फायदा था, इससे एल्यूमिनियम में नुकसान है। कितने का नुकसान है इसमें? मतलब ये कि वैसे सेहत को तकलीफ देता है, इसकी जो गैस होती है ना वो नुकसान पहुंचाती है सेहत के लिए। लेकिन फिर भी काम कर रहे हैं नुकसान देने के बावजूद? काम करना पड़ेगा, क्या करें बताओ, जब हम ये सीखे हुए हैं, हम इसमें पड़े हुए हैं तो और क्या करें। लाइट की समस्या इतनी है, सारा सारा दिन जनरेटर चल रहे हैं, धुएं से धुआं और ज्यादा नुकसान दे रहा हमें। अगर हम ये पूछें कि मुसलमान जो यंग है क्या सोच रहे हैं, किस पार्टी के बारे में सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि कौन सी पार्टी उनके लिए फायदेमंद होगी? सब एक ही है ये, कोई सी बताओ किसका क्या फायदा करा किसी ने। उत्तर प्रदेश में एक नया बदलाव दिख रहा है, ज्यादातर लोग किसको वोट देंगे ये बता नहीं रहे हैं, और अपना वोटिंग प्रेफरेंस, किस पार्टी को उनका वोट जाएगा, वो शायद वो पोलिंग बूथ जाएं और उसके बाद अपना वोट कास्ट करें, और उसके बाद शायद पिटारे से पता चलेगा कि यूपी के मुसलमानों ने किसको वोट दिया। मुरादाबाद की शक्ल बदल रही है। पिछले 5 सालों में बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आए हैं और हम TMU यूनिवर्सिटी में हैं। यहाँ पर लगभग 100 कोर्सेज हैं, लेकिन ज्यादातर लोकल स्टूडेंट्स, लोकल मुरादाबादी मास कम्युनिकेशन और BBA कोर्सेज में एनरोल करते हैं, क्योंकि ये जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वही हैं। ये बताओ,
ये फोकस क्यों है कि मास कम्युनिकेशन में करेंगे और बीबीए में करेंगे जो फॉरेन जॉब मिल जाए? मास कम्युनिकेशन को ज्वाइन करने के लिए हम जैसा कि देख रहे हैं आजकल हम चेंज लाना चाहते हैं। अगर हम लोगों के बारे में जानेंगे अच्छा, हर हम सोसाइटी को जानना चाहते हैं। आईआईटी और दूसरे कोर्स ज्वाइन करने के लिए उस तरह का दिमाग और उस तरह का पैसा अभी नहीं है मुस्लिम्स के पास, तो उस लेवल पे पहुंचने के लिए पहले पैसे की जरूरत है। तो क्या पॉलिटिशियंस डिवाइड करते हैं सोसाइटी को? हाँ जी, मैं बिल्कुल इस बात को मानती हूँ कि पॉलिटिशियन ही है जो डिवाइड करते हैं। ठीक है, हम यूथ कभी नहीं चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम में कभी झगड़ा हो या फिर सिख ईसाई में झगड़ा हो। जो ये लोग हैं जो डिवाइड करने वाले लोग हैं वो पॉलिटिक्स पार्टी ही हैं, पॉलिटिकल पार्टीज ही हैं जो आज ये डिवाइड कर रही हैं कि हिंदू हिंदू को वोट देगा और मुस्लिम मुस्लिम को वोट देगा। सब एक ही चीज़ चाहते हैं, अपना डेवलपमेंट चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। वी आर ऑल इंडियंस, हमारी सबके एस्पिरेशन, सबकी थिंकिंग सेम है, सब एक हैं, वी आर इक्वल, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अस। तो यहाँ के स्टूडेंट्स का मानना है कि ये राजनेता हैं जो अपने वोट की राजनीति के लिए शायद समाज को बांट रहे हैं और इसीलिए उनका भी जेहन, उनके भी दिमाग में इस तरह के ख्यालात आ रहे हैं और अपने आप को वो एजेंट्स ऑफ चेंज या एजेंट्स जो बदलाव लाएंगे सोसाइटी में वो देख रहे हैं। अजहरुद्दीन की क्रिकेट की पारी बहुत शानदार थी, लेकिन जहां तक उनकी राजनीतिक पारी का सवाल है, मुरादाबाद के लोग उनको एक नया मौका, एक और मौका देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। उनका कहना है कि अजहरुद्दीन मौजूद नहीं थे, उन्होंने 6 से 7 बार मुरादाबाद का दौरा किया और बहुत सारे बड़े बड़े वायदे किए, लेकिन एक भी वायदा पूरा नहीं किया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए क्रिकेटर्स हैं। 10% इसका लॉस होगा अजहरुद्दीन के, बिकॉज ऑफ अजहरुद्दीन 10% उसको जो है नुकसान पहुंचेगा कांग्रेस को, क्योंकि वो वादों पे थोड़ा कम खड़े उतरे। आप लोग यंग है, अगर आप लोग को एक नई बात की जाए, आप लोग को जॉब्स की बात की जाए, एस्पिरेशंस की बात की जाए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात की जाए। हमें तो सिर्फ बिजली चाहिए, पानी चाहिए और बिजनेस चाहिए, हमें जॉब नहीं चाहिए। हमारे पास ऑलरेडी बहुत हुनर है, तो हमें सिर्फ बिजली 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 चाहिए। मोदी ने कहा कि मुसलमानों को करेंगे, आज इलेक्शन आ गए तो मोदी मुसलमानों के लिए सोचने लगे, वरना कुछ साल पहले अभी उन्होंने गुजरात में मुसलमानों के लिए क्या किया है ये सबको जग जाहिर। क्या आज भी मुसलमान रिजर्वेशन के बारे में सोच रहे हैं या इक्वल पार्टिसिपेशन के बारे में सोच रहे हैं? वी डोंट नीड एनी फैसिलिटीज फर्स्ट, वी जस्ट नीड आवर सेफ्टी फर्स्ट। अजहरुद्दीन का नॉन परफॉर्मेंस या उनका मुरादाबाद में नहीं आना, नूर बानो, बेगम नूर बानो जो रामपुर से मुरादाबाद आई हैं, उनके चांसेस को इम्पैक्ट कर सकता है? हमारे साथ बातचीत करने के लिए बेगम साहिबा, नजाकत और नफासत की जो बात की जाती है वो दिखता है। That I can't help. God must have given it to me, so I can't help about my whatever you describe me as. 2009 के चुनाव में जयाप्रदा ने आपको हराया था रामपुर में, 2014 के इलेक्शन में आपने अपनी कंस्टिट्यूएंसी बदल दी, आप यहाँ आ गई हैं। आपको नहीं लगता कि आप रामपुर छोड़ करके आई हैं? मैं रामपुर छोड़ के नहीं आई, मुझे लोगों ने बुलाया, मैं आ गई। बीएसपी, कांग्रेस, सपा तीनों ने मुसलमानों को फील्ड में रखा है, उनके कैंडिडेट्स वो हैं। बीजेपी ने नॉन मुस्लिम को रखा है, तो आपको नहीं लगता कि मुसलमानों का वोट बढ़ जाएगा? इसमें हिंदू मुसलमान का किस्सा नहीं है, ये अपनी सोच से वोट करेंगे, जिसको चाहेंगे उसे वोट करेंगे, जिसको आजाद है ये करने के लिए। दोस्तों, ये कौन सा विकास है कि जब हमारे पेटों को 5 रुपए तक मैसर रही हैं और तू 5,000 रुपए लेकर आता है? नवाब काजी मलिक खान की एक दहाड़ होगी पार्लियामेंट के अंदर कि मेरे उन नौजवानों के ऊपर से रामपुर के अंदर फर्जी मुकदमे वापस लिए जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग सभी जानते हैं कि 2 साल से हमारे जिले की क्या हालत रही है। इसको जब लड्डू दिया जाता है सत्ता का, तो ये रफीकुल मुल्क कहता है सिर्फ एक ताकत है। कांग्रेस के यहाँ के उम्मीदवार, रामपुर के उम्मीदवार हैं नावेद मियां,
और उनके लिए कैंपेन कर रहे हैं उनके बेटे हमजा, जो आए हैं लंदन से पढ़ करके, और हम हमारे साथ वो बात करेंगे। राहुल गांधी आजकल के जनरेशन को इंस्पायर अब नहीं करते हैं, जो इंस्पायर करता है वो अब नरेंद्र मोदी है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक तरीके से प्रोपेगेंडा है दिखाने के लिए कि मोदी जी की वेव है। मुझे तो ये भी नहीं लगता कि मोदी जी की कोई वेव है। जहाँ तक राहुल गांधी जी की बात है, वो यूथ से जिस तरीके से रिलेट करते हैं, क्योंकि वो भी उसी उम्र के, लगभग उसी उम्र के हैं, और जिस तरीके से वो यूथ से रिलेट करते हैं, मोदी जी नहीं करते। हिंदुस्तान के इस सियासतदानों के शहर में रामपुर का कोरमा और कबाब किस तरह की खुशबू छोड़ रहा है, ये बात करने के लिए हमारे साथ, हम इस होटल में मौजूद हैं और बहुत तरह की खुशबू आ रही है, कबाब और कोरमे लोगों के प्लेट में दिख रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं कि क्या रामपुर का मुसलमान, क्या इस रोहेलखंड के बेल्ट का मुसलमान अपने लिए एक नई पॉलिटिकल पार्टी चाहता है। आपको क्या लगता है कि मुसलमानों को एक मुस्लिम लेड पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत है जो उनके इंटरेस्ट के बारे में सोचेगी? जी जी बिल्कुल, मतलब मुसलमानों के लिए एक जरूरी ऐसी पार्टी होना चाहिए जो उनके लिए मतलब एक सहारा हो, अच्छा लगा जी। लेकिन इस तरह का अगर पॉलिटिकल पार्टी बनती है तो आपको लगता है कि पहले जो एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, जैसे बरेली में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, वो सक्सेसफुल नहीं रहा? जिसकी आप बात कर रही है, बरेली के जो पार्टी बनी, उन्होंने किससे हाथ मिलाया? उन्होंने उस पार्टी से हाथ मिलाया जिसने मुसलमानों से 18% आरक्षण का वादा करने के बाद वादा पूरा नहीं करा, ठीक है। दूसरी चीज़ यह है कि उसने मुजफ्फरनगर में दंगे कराए, ठीक है। वो पार्टी मुसलमानों की पार्टी कैसे हो सकती है? वो पार्टी मुसलमानों की पार्टी हो ही नहीं सकती। उसने सिवाय मुसलमानों को गुमराह किया गया है। रामपुर में गाने बजाने का बहुत रिवाज रहा है और हमारे साथ चौथी पीढ़ी के एक सिंगर मौजूद हैं, शेखावत हुसैन साहब। शेखावत साहब, इस समय जो पूरा माहौल पॉलिटिकली चार्ज्ड है, क्यों ये चार बैत गीत क्यों गा रहे हैं आप? हम रामपुर के लोग अपने में मस्त रहने वाले लोग हैं, और कोई भी बड़ी से बड़ी परेशानी, कोई भी बड़ी से बड़ी तकलीफ हम हंस के और गा के गुजार देते हैं। ये इलेक्शन का दौर, हम चाहते हैं कि ये भी इसी तरह से हंस और गा के हम निकाल दें। और ये जो एक शेर मैंने इसमें पढ़ा था कि छुटके बूंदे मेघ से धरती से आके मिल गईं, नदियां बहती हुई सागर में जाके मिल गईं, बेले अपनी डालियों से पेच खाकर मिल गईं, तू भी घर आ जा पिया, क्यों मोरा मन तरसाए है। तो एक मैसेज हम रामपुर वालों की तरफ से उन नेताओं के लिए भी है जो हमसे दूर हैं, और हम जो पब्लिक है, हम पब्लिक भी ये चाहते हैं कि हम भी उनसे मिल जाएं। जबकि इलेक्शन का वक्त तो मिलते हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद फिर ना वो हमें मिलते हैं ना हम उनको मिल पाते हैं। शोहरतें हासिल हैं जो गालिबन मलका विक्टोरिया को भी कभी नहीं मिले होंगे। हम रामपुर में मोहम्मद अली जौहर रोड पर हैं। आजम खान का रामपुर आजम खान के लिए जाना जाता है, और आजम खान समाजवादी पार्टी में नंबर टू माने जाते हैं, मुलायम सिंह यादव के बाद ही। क्या मुजफ्फरनगर दंगे रामपुर के लिए और यूपी के मुसलमानों के लिए अभी भी मुद्दा है? ना ना नहीं रहा, यहाँ यूपी में कुछ सबसे ज्यादा सीट है मुलायम सिंह यादव की। ये गुजरात नहीं है, ये यूपी है। यहाँ का मुसलमान बहुत सुलझा हुआ है, यहाँ बीजेपी का कोई रोल नहीं है। और देखा जाए तो मुजफ्फरनगर का दंगा इतना बड़ा दंगा नहीं था जितना बीजेपी ने बड़ा कर दिया है। हिंदू भी और मुस्लिम भी दोनों मतलब मिलकर रहते हैं और हर त्योहार जो है ना भाईचारे से मनाते हैं। मुलायम सिंह फिर भी सबसे बढ़िया आदमी है और सब मतलब हिंदू मुसलमान उनके लिए कुछ नहीं है। यहाँ हिंदू मुसलमान का जो है कोई मतलब ही नहीं है, सब आपस में जो है
एक दूसरे को गले लगाकर चलते हैं। इस इलेक्शन में मुद्दा क्या है, सिक्योरिटी सबसे बड़ा मुद्दा है या जॉब मुद्दा है मुसलमानों के लिए? इसमें जॉब की जो है आगे अच्छा रहेगा, जैसे आगे आप आने वाले टाइम। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर इमरान साहब हैं। इमरान साहब, हम मुझे मामू कहते हैं, यहाँ के सब्जी वाले मामू जो। तो ये आजम खान ने क्या रामपुर के लिए कुछ अच्छा काम किया है या बस डिवाइडर बनाए हैं दिखाने के लिए? आजम खान ने अच्छा काम तो कर रहे हैं, जो रोडों को चौड़ा कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, मगर मेन चीज ये है कारोबार को जोड़े। कारोबार हमारा जो है बुरे नहीं है, काम तो बहुत कर रहे हैं विकास के, मगर बुरे नहीं है। हाँ बुरे नहीं है, काम तो विकास के बहुत कर रहे हैं, अच्छे कर रहे हैं, मगर और विकास जो है कारोबारी लेन में करें, हमारा कारोबार मिले, हमें दुकान मिले। आपको लगता है कि आजम खान ने यहाँ पर विकास का काम कराया है? किस तरह का काम कराया है? यहाँ पर अच्छे इंस्टीट्यूट बनाए हैं, नहीं बनाए हैं? क्या यहाँ पर लोग बोलते नहीं है उनके अगेंस्ट में? क्या कहते हैं लोग, आजम खान कैसे काम कराए हैं? आप बोलेंगे क्यों, कोई डर है क्या आजम खान के? बिकॉज सी दिस प्लेस रामपुर, आई टेल यू 90% ऑफ द पीपल हु आर लिविंग हियर आर यू नो पीपल फ्रॉम लोअर डाउन द लाइन, यू नो दे आर वेरी पुअर पीपल, दे आर क्वाइट अफ्रेड ऑफ यू नो द पावर्स ही इज होल्डिंग राइट नाउ, यू नो द सो कॉल्ड मिनिस्टर फ्रॉम रामपुर। आप पुराने हैं रामपुर के यहाँ रहने वाले, आपका क्या कहना है, आजम खान ने रामपुर का डेवलपमेंट कराया है? पुरानी चीजें तोड़ के बनवा रहे हैं, नई चीजें बना रहे हैं। काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? काम तो बतेरा हो रहा है, काफी हो रही है। इस्लाही साहब, रामपुर की लाइब्रेरी के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पर जो स्पेसिमेंस हैं वो कहीं दिखने के लिए नहीं मिलते। यकीनी तौर पर रामपुर रजा लाइब्रेरी न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में अपने कलेक्शन की वजह से, मैनुस्क्रिप्ट की वजह से मशहूर है। ये रुहेलखंड का पूरा बेल्ट है, यहाँ पर मुसलमानों के सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दे क्या हैं? देखिए, मुसलमानों के हिंदुस्तान में बेहद मसाइल हैं और कोई भी पार्टी संजीदगी के साथ उन मसाइल पर, मुसलमानों के जो मसाइल हैं उस पर गौर नहीं कर रही है। और लेकिन मुसलमान यकीनी तौर पर अब बेदार हो चुका है, वो मुसलमान अपने पत्ते इतनी आसानी से खोलने के लिए तैयार नहीं है। यकीनी तौर पर एक सबसे बड़ा जो मसला है मुसलमान के साथ, जो मैं समझता हूँ, वो ये है कि फिरका परस्त ताकतों को हुकूमत से दूर रख, ये आम तौर से मुसलमानों का मसला है। क्या मुजफ्फरनगर दंगों के बाद एक नई कहानी लिखी जा रही है, इसका फैसला जनता करेगी और पता चलेगा 16 मई को। हमारी इलेक्शन यात्रा जारी रहेगी।